जब आप विंडोज यूज कर रहे होते हैं तो आपसे कोई कहे कि मुझे 2 मिनट के लिए आपका विंडोज चाहिए, तो आपको लगता है कि यह फाइल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो दूसरों को नहीं दिखाना है। इसके जगह आप उस फोल्डर या फाइल को हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए फोल्डर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर हाइडन पर क्लिक करके अप्लाई कर दें, जिससे आपका फोल्डर हाइड हो जाएगा। और इस फाइल को अनहाइड करने के लिए आप फोल्डर सर्च करें और उस पर क्लिक करके आप व्यू पर जाएं और यहां शो हाइडन फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स ऑन कर दें। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करें, जिससे आपका फोल्डर अनहाइड हो जाएगा। और उस पर फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर जाकर हाइडन पर क्लिक करके अप्लाई कर दें, जिससे आपका फाइल अनहाइड हो जाएगा। जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो यह डिलीट तो होता है मगर रिसाइकल बिन में चला जाता है। और यदि हम इसी फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट करना चाहें तो उस फाइल को सिलेक्ट कर लें और शिफ्ट प्लस डिलीट को प्रेस करें। इसके बाद शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस कर दें, जिससे आपका फाइल अस्थायी रूप से डिलीट हो जाएगा। और फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मेरा फाइल परमानेंटली डिलीट हो, तो आपको रिसाइकल बिन को राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज पर जाकर डोंट मूव फाइल्स टू द रिसाइकल बिन, इस पर क्लिक करके डिस्प्ले डिलीट कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग को क्लिक करके अप्लाई कर दें, जिससे आपका फाइल हमेशा डिलीट हो जाएगा। यदि आपके पास बहुत सारी फाइलें हैं और आपको लगता है कि हम एक साथ उसे रीनेम करें, तो आपको सभी फाइलों को सेलेक्ट करना होगा। फिर आप F2 प्रेस करें। इसके बाद जो नाम देना चाहें आप उस नाम को टाइप करें, जैसा कि इसके बाद इंटर प्रेस करें, जिससे आपका फाइल ऑटोमेटिक रीनेम हो जाएगा। जब हम किसी फाइल को देखना चाहते हैं तो हमें माय कंप्यूटर या दिस पीसी पर डबल क्लिक करना होता है। इसके बाद हम अपने फाइल को देख पाते हैं। यही अगर हम विंडोज प्लस ई को प्रेस करें तो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। यदि आप अपने विंडोज पर किसी भी तरह का काम कर रहे होते हैं और आपको अचानक किसी कार्यवश कहीं जाना हो, तो आप कंप्यूटर को ऐसा ही छोड़ देते हैं, बल्कि जिससे आपका कंप्यूटर दूसरा कोई यूज करता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर कोई दूसरे व्यक्ति यूज ना करे, तो आप 2 सेकंड में उस कंप्यूटर को लॉक कर दें, जिससे वह यूज नहीं कर पाए। लॉक करने के लिए आप विंडोज की प्लस L दबाएं, जिससे आपका विंडोज लॉक हो जाएगा। अतः दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको हर अमेजिंग फैक्ट्स तथा मोटिवेशनल वीडियो का ताज़ा अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।